हाय गाइस, मैं अजय कम्बोज और आज हम बात करेंगे कि क्या एक फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक खोल सकता है या नहीं खोल सकता है, उसी के बारे में बात करेंगे। जनरली बहुत सारा कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है फार्मा क्लिनिक के बारे में, और बहुत सारे मैसेज भी सर्कुलेट हुए थे जब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट आया था। आज भी बहुत सारे फार्मासिस्ट के मन में डाउट है कि वो फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, और किसी पेशेंट को डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं केवल एक शब्द में ये कहूँ आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हो या नहीं खोल सकते हो, तो फार्मा क्लिनिक आप नहीं खोल सकते। आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट या डायग्नोज नहीं कर सकते, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। जो इस बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का काज है वो ये है कि जब फार्मा प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 इम्प्लीमेंट हुआ था, तो बहुत सारी सराउंडिंग्स आई थी कि प्रैक्टिस जो वर्ड था इसमें, तो उससे रिलेटेड ये आई थी कि फार्मासिस्ट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ईमेल पे सर्कुलेटेड होने शुरू हुए कि इस एक्ट के अंदर अब फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल गया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिस से मतलब था वो ये था कि जो फार्मासिस्ट क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया था, डिटेल्ड किया गया था, डिफाइन किया गया था कि एक फार्मासिस्ट क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता है। जो ये मैसेजेज सर्कुलेट हुए थे, न्यूज सर्कुलेटेड हुई थी, तो उसके बाद पीसीआई ने भी क्लैरिफिकेशन डाला था, किसी भी कंडीशन में कोई भी फार्मासिस्ट ना तो मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकता है, ना ही कोई ऐसा क्लिनिक खोल सकता है जहां पे वो मेडिकल केयर कर सके। तो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन के हिसाब से एक फार्मासिस्ट जो जो कर सकता है, जो जो भी उसके एलिमेंट रहेंगे पेशेंट काउंसलिंग के, केवल ये रहेंगे नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, द डोजेज फॉर्म, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, इंटेंडेड यूज ऑफ ड्रग्स एंड एक्सपेक्टेड एक्शन, स्पेशल डायरेक्शन एंड प्रिकॉशन ऑफ फॉर द ड्रग्स, कॉमन सीवियर साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स और इंटरेक्शन एंड थेरापेटिक कंट्राइंडिकेशन दैट मे बी इनकाउंटर्ड, इंक्लूडिंग their avoidance and the action required if they occur, techniques or self-monitoring, drug therapy, proper storage of drugs, prescription refill information, action to be taken in the event of missed dose to ensure rational use of drug. तो ये कुछ summary थी जो एक pharmacist practice कर सकता है जिस basis पे। तो कहने का मतलब यही है कि एक pharmacist किसी भी condition में medical practice नहीं कर सकता या clinic नहीं खोल सकता मेडिकल केयर के लिए। वो केवल फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन था और उसको मिसअंडरस्टूड किया गया और जो प्रैक्टिस का कल्प मतलब निकाला गया। तो आप कभी भी फार्मा क्लिनिक नहीं खोल सकते, फार्मा क्लिनिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो कोई भी फार्मासिस्ट क्लिनिक खोलने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।